तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज में संगम एरिया में, जहाँ पे हमारा लगा है माघ मेला 2023। तो भाई देख सकते हैं आप लोग, आज हमारे माघ मेले का दूसरा दिन है। चलिए आपको आगे चल के दिखाते हैं कि हमारा कुंभ कैसा चल रहा है। हम लोग आ चुके हैं फाइनली जहाँ पे प्रॉपर सब लोग स्नान कर रहे हैं। ये देखिए आगे आपको दिखाते हैं हम, ये देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ पे जगह है। और हम चप्पल ही में आ गए भाई, क्योंकि सिंपलिसिटी इज द बेस्ट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे भाई लोग कि आगे जो है सब लोग स्नान कर रहे हैं। चलिए हम आपको और आगे चल के दिखाते हैं। भाई देखिए, ये हमारा है श्री सीताराम सत्संग प्रचार मंडल। यहाँ पे अंदर जो है टेंट वगैरह लगे हैं लोगों के रहने के लिए। और इधर भी आप लोग देखिए, सब लोग आ रहे हैं। अपना माघ मेला अभी प्रारंभ ही हुआ है तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। चलिए आपको और दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये देखिए भाई, सब हमारे मित्र जो है यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं। और आज दूसरा दिन है माघ मेला का, देख सकते हैं आप, भीड़ आज काफी है। तो भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारे माघ मेले का दूसरा दिन है। तो भाई अगर मैं आपको बताऊं कि ये कब तक रहेगा, तो ये जो है यहाँ पर अभी 18 फरवरी तक रहेगा। करीबन डेढ़ महीने तक यहाँ पर स्नान किया जाएगा, डुबकी लगाई जाएगी। और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ ही यहाँ पर जो है कुंभ मेले की, या फिर आप कह सकते हैं माघ मेले की समाप्ति हो जाएगी 2023 में। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं यहाँ आने के बाद, तो बहुत ही सुख शांति का माहौल है। मतलब सुबह क्या कह सकते हैं, ये करीबन अभी 3 बज रहे हैं, तो मतलब 3 बजे यहाँ पे सब लोग अपना आराम से आके स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद देख सकते हैं आप लोग मेरे आसपास, लोग यहाँ घास में जो है आराम से बैठ के सूख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम शांति सुख का माहौल है, एकदम पारिवारिक माहौल है। और पर जो है मोस्टली बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस टाइप के लोग आते हैं यहाँ पे स्नान करते हैं, अपनी मोह माया को और अपनी पूरी रूह को, आत्मा को शांति के लिए। बहुत ही मतलब अच्छा यहाँ पे हमको भी आके लग रहा है। ये हमारे सारे साधु स्नान करने के बाद आराम से मज़ा कर रहे हैं। तो चाचा, आपको इस बार 2023 में कुंभ में कैसा लग रहा है? अरे 2023 कुंभ तो एक नंबर का लगा था। एक नंबर का है आपकी? आपके लिए अभी तो शुरू हो रहा है, लेकिन हाँ, एक नंबर पे आएगा। जी जी, अभी तो दूसरा ही दिन है। अभी तो दूसरा दिन है। और हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा आप कुछ कुंभ के बारे में बताना चाहेंगे? अरे यही है, आई यही कल्याण हुई। जी जी, यहाँ आयल के कल्याणकारी बा। जी, ये रेता में रह के कल्याणकारी बा, जितने बालू जितने पानी है गला। जी जी, बहुत ही पवित्र स्थान है ये। और क्या जी। तो जैसा कि हमारे चाचा ने हमको यहाँ के बारे में जानकारी दी, बड़ा ही अच्छा लगा चाचा से बात करके। अब मैं आपको जो है नागा बाबा और साधुओं की और साधु लोग की जो है दिखाता हूँ फुटेज। तो देख सकते हैं हमको यहाँ पे हमारे एक नागा बाबा मिल रहे हैं। तो बाबा, आप हमें 2023 कुंभ के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बताइए कुछ हमारे दर्शकों को। आनंद है, मेला चल रहा है, धड़ाधड़ पब्लिक आ रही है, भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं, सब पहुँच रहे हैं। जी जी, अभी हमको और ज्यादा भीड़ देखने के लिए कब मिलेगी यहाँ पे? अभी कोई स्नान पड़ेगा तो। आपको जानकारी है कुछ आगे आने वाले स्नान की? अरे 14 को पड़ेगा, 14 तारीख को एक स्नान पड़ेगा। अच्छा स्नान है, भाग नहीं आ रहा है। स्नान है, अच्छा खान है, स्नान था तो यहाँ भीड़ था बहुत। अभी आगे स्नान अब इसी तरह मेला बढ़ता रहेगा। तो जैसा कि अभी हमको पता चल रहा है कि अभी तो शुरुआत ही हुई है यहाँ पे मेले की, आगे भी धीरे धीरे अभी भीड़ बढ़ती रहेगी और मेला और बड़ा होएगा, और पब्लिक यहाँ पे आएगी और जागरूकता बढ़ेगी यहाँ पे थोड़ा। और बहुत ही मतलब पवित्र माहौल है यहाँ का। तो आप भी कब आए हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ परसों आए हैं। तो अभी आपका कब तक इरादा है यहाँ रहने का? यहाँ रहेंगे एक महीना रहेंगे, आराम से पवित्र स्नान में रहेंगे। शिवरात्रि में चले जाएंगे। शिवरात्रि में फिर नेपाल चले जाएंगे, काठमांडू में। वहाँ भी कुछ ऐसा ही है? हाँ, वहाँ एक दिन का मेला है पशुपतिनाथ का। अच्छा, दर्शन मेला, वहाँ भी पहुँच जाते हैं। मन पड़ा तो फिर इधर चले गए अपना गंगा।
गंगा सागर। तो जैसा कि अभी हम लोग को देखने के लिए मिला है कि जो हमारे बाबा हैं वो बहुत ही मतलब प्रसिद्ध जो है श्रद्धालु हैं और बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हम लोग कह सकते हैं कि मतलब वो इधर से उधर जो है रहते ही यात्रा करते ही रहते हैं, रमता जोगी हैं एकदम। तो चलिए फिर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। जय भोले, मस्त रहो, इसी तरह आपका कार बढ़ता रहे। यहाँ पे हमारा पुलिस प्रशासन गाड़ी खड़ी करने का निर्देश देते हुए भाई को कि ये जो है स्नान जगह है, यहाँ पर गाड़ी ना खड़ी करें। हमारे साथ एक महीने पहले से साइबेरियन विदेशी पक्षी भी आ गए हैं जिनका हम पूरे जोरों शोर से स्वागत करते हैं। साथ ही साथ कल अर्थात 6 जनवरी को जो एक स्नान हुआ है उसमें शाम तक 5,000 श्रद्धालुओं के इस समय 5,00,000 अरे ये भाई एक बार उधर दिखाओ उधर। चाचा जो है बहुत ही बेहतरीन जो है चुरमुरा क्या है भेलपूरी बना रहे हैं यहाँ पे। तो चाचा आप यही साल लगा रहे हैं या हर साल लगाते हैं? हर साल लगाते हैं। तो इधर देख लीजिए आप लोग किनारे के तनिक इधर ही यहीं पे। क्या नाम है भाई आपका? अनुप केवड़ भाई यहाँ पे लगा रहे हैं, तो आप लोग जरूर आइए खाइए। तो अब की जो है हमें कुंभ में ज्यादा भीड़ देखने के लिए कब मिलेगी? डेली होती है भीड़। नहीं अभी तो काफी कम है देख रहे हैं हम। देखिए अब 14 तारीख को होगी। अच्छा 14 तारीख को कोई स्नान है क्या 14 को? अच्छा चलिए, ये बहुत ही अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई ताकि हम 14 तारीख को फिर आ सकें और आप लोग को दिखाएं। चलिए फिर खा के बताते हैं कैसा है। मसाला भी चेक करवाया जाता है, मतलब आपके प्रॉपर हर चीज़ के अनुसार यहाँ पे जो है चीज़ आपको मिलेगी। बहुत ही बढ़िया मना मिलता ये हमारी राइजन। हमने राइजन दे दिए ताहा भाई को चलाने के लिए। इधर क्या कहोगे? उसने कहेंगे भाई बस गाड़ी चलाने जा रहे, सर बहुत दर्द हो रहा, घर जाना है बहुत जल्दी। अभी हम जो है पीछे बैठ के व्लॉगिंग करेंगे, सिनेमैटिक करेंगे आपके लिए, थोड़ी सी और अच्छी वीडियो निकालेंगे। अभी तो अपना पूरा यहाँ पे समाप्ति नहीं हुई वीडियो की, चलिए और देखिए क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो अभी जो है ना हमारा जो माघ मेला 2023 है वो अभी पूरी तरह जो है शुरू नहीं हुआ है। मतलब हाँ ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग डेट जो थी वो जो है हमारी 6 जनवरी थी जिसमें जो है पूर्णिमा स्नान भी था। तो अभी जो है पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है, थोड़ी थोड़ी जगहों पे कहीं तैयारियां चल रही है और पंडाल भी पूरी तरह नहीं लगे हैं हर जगह, पब्लिक भी अभी धीरे धीरे आ ही रही है। तो हमें जो है हमारे सूत्रों के अनुसार, जैसा कि अभी हमें विनय भाई ने हमको जो है जानकारी दिया था कि 14 तारीख को जो है एक स्नान रहेगा यहाँ पे, तो हम लोग 14 का भी ब्लॉग आपके लिए लाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। इधर आप लोग देख सकते हैं निकट ये बड़े वाले मंदिर के एकदम इस साइड पे मार्केट लगी है यहाँ पे अलग अलग, देखिए आप लोग बेहतरीन एकदम। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है मेले का भी प्रारंभ हो चुका है, रात में जो है काफी मजा आने वाला है यहाँ पे, कुछ लोग अभी भी झूल रहे हैं। तो मतलब दिन में तो मेले का मजा इतना नहीं आता लेकिन रात में भी यहाँ पर मेला प्रारंभ होने वाला है। बस आप लोग संगम एरिया से थोड़ा सा निकलेंगे तो थोड़ा सा ही आगे जाके राइट हैंड साइड पे ये जो है देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर मेला लगा है। तो अगर आपको इसका भी व्लॉग चाहिए तो कमेंट करके बताइए, तो फिर यहाँ का भी हम लोग जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे और इसका भी व्लॉग लाएंगे। इसी के साथ हमारे कुंभ का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको मेले वाली वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करके बताइए कि हाँ चाहिए, तो उस पर भी हम लोग व्लॉग लाएंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं न्यू व्लॉग।